हाय दोस्तों, मेरा नाम है देवधर नगवाला और आप देख रहे हैं देवधर नगवाला एसर टेलीकॉम चैनल। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कॉमेडी प्रो टूल और इसके बारे में बहुत ज़्यादा टेक्निकल बातें और क्या ये टूल आपके लिए बढ़िया रहेगा और क्यों कॉमेडी प्रो टूल खरीदें। एक ये भी डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा कि कॉमेडी टूल और कॉमेडी प्रो टूल में क्या अंतर है, कि दोनों टूलों में बहुत ज़्यादा अंतर है, तो ये भी मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा। दोनों टूल हम ओपन करेंगे और दोनों टूलों के बारे में हम जानेंगे। बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि सर जब कॉमेडी आया था तो वो भी ऑलरेडी बिक रहा था मार्केट में, आप प्रो टूल आ गया है, दोनों को जोड़ के क्यों नहीं बेचा गया है, ऐसा क्यों नहीं मिलता है कि हमें दोनों को मिल जाए, क्योंकि भाई बनाने वाली कंपनी के सॉफ्टवेयर पर है कि उन्होंने क्या ये डिज़ाइन किया है। बट जो भी डिज़ाइन किया है दोस्तों, आपको लेकर डिज़ाइन किया है, ये जनरली उन बच्चों के लिए है जो ट्रेसिंग नहीं कर पाते या जिनको ये नहीं पता कि कौन सी ट्रैक किधर जाती है। तो इसमें होते हैं बिट मैप को मैं इस क्लियर करूंगा इस वीडियो के अंदर और बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, जो भी कंफ्यूजन है आपके स्कीमेटिक को लेकर वो सारे क्लियर होंगे। अगर दोस्तों आपके पास आते हैं लेटेस्ट मोबाइल एम सीरीज़ या ए सीरीज़ सैमसंग की, या आपके पास में आते हैं MI के लेटेस्ट सेट, या आपके पास में कोई भी एक ऐसा वीवो ओप्पो के लेटेस्ट सेट आते हैं, तो मुझे लगता है कि ये टूल आपके लिए बेस्ट है। ये टूल सबसे पहले बता दूं कि कहां से परचेस करना है। परचेस करने के लिए आपको ये नंबर दिख रहा होगा ZX मिलेगा, आप इनसे परचेस कर सकते हैं आप चाहे, और अगर आपके पास कोई अदर सोर्सेज उनसे भी परचेस कर सकते हैं। बट अगर आप एसर टेलीकॉम के बिहाफ पे परचेस करते हैं ये वीडियो को देख के और सब्सक्राइब करके उनको फोटो डालते हैं, तो आपको इसमें काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आप एसर टेलीकॉम के स्टूडेंट हैं या आपने बुक कर ली हमारी सीट और अगर आप बनने वाले हमारे स्टूडेंट, तो आपको उससे भी ज़्यादा एक डिस्काउंट मिल जाएगा। सिर्फ आपको जो स्क्रीनशॉट है वो व्हाट्सअप का देना पड़ेगा बुकिंग अमाउंट का, या तो आपके एसर टेलीकॉम के अगर आप स्टूडेंट हो आपको देना पड़ेगा सर्टिफिकेट का। सो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कॉमेडी प्रो टूल की। मैं ऑलरेडी इसमें वीडियो बना चुका हूँ, चलिए पहले मैं दिखा देता हूँ कि क्या क्या हमने इसमें बना दिया है और क्या क्या आपको यहाँ पर ये मिलने वाला है। तो ये है कॉमेडी प्रो टूल की वेबसाइट। आपको करना क्या है, सिर्फ www. एड्रेस में जाके comedyprocom लिख लेना है और ये लिंक आप, मैं इसमें नहीं दे सकता क्योंकि बेसिकली मैंने पहली बार ये लिंक दी थी तो मुझे एक स्ट्राइक आ गई थी, तो इसलिए मैंने ये लिंक इस बार वीडियो में नहीं डाली है। तो ये आप देख लेना, जरूरत नहीं पड़ेगी, पर हाँ आपको टूल डाउनलोड करना है तो जो भी आप जिससे भी टूल परचेस करेंगे वो आपको लिंक भी प्रोवाइड करा देगा। आप करें सीधे कॉन्टैक्ट ZX मलिक से और उसे पूछे सर मुझे कॉमेडी प्रो टूल परचेस करना है, व्हाट्सअप में उसका नंबर है, कॉल नहीं लगता तो व्हाट्सअप कीजिए, आपको आंसर जरूर मिलेगा। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख रहे हैं डाउनलोड कॉमेडी प्रो, आप तो उसे भी यहाँ पे जाके टिक कर देना है और टिक करने के बाद ये डाउनलोड हो जाएगा। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि जब ये डाउनलोड होगा तो आपको एक वायरस की तरह लगेगा और आपको लगेगा कि भाई ये तो एक वायरस है, इसको मैं कीप करूँ या रिमूव करूँ, तो मेरे भाई ये बता दूँ ये आपका वायरस नहीं है, ये सिर्फ आपका एक अनऑथराइज, इसको हम बोल सकते हैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो किसी फिलहाल एक लीगल जो फिलहाल अगर हम बात कर सकते हैं एक लीगल जिसको ऑथराइजेशन नहीं दी गई है किसी कंपनी के थ्रू, तो इसी वजह से ये जो हमारा एंटीवायरस है जो हमारा डिफेंडर है इसको इलीगली समझ रहा है और इलीगल समझ कर ये आपके जो टूल को उसको पहचान नहीं पा रहा है, उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है और वो ये समझ रहा है कि भाई जो भी टूल है मुझे लगता है कि वो ऑथराइज नहीं है, इलीगल है, तो वो उसके लिए वो एक वायरस बन जाता है। तो मेरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पर कीप डेंजरस फाइल में टिक करना है, जैसे देखिए मैंने भी कर लिया, कीप एनीवे आएगा, इसको भी आपको टिक कर लेना है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको कॉमेडी प्रो टूल का सेटअप मिल जाएगा, आपको करना है इसको डबल टिक करेंगे तो आपको इस तरह का कुछ टूल ओपन हो जाएगा और ये टूल ओपन होगा, इसका सेटअप रन नहीं होगा, इसका सेटअप सी प्रोग्राम में नहीं आएगा। यहाँ पे आपको .exe को ही डबल टिक करना है और उस exe को ही अपने किसी फोल्डर में आपको रखना है अपने पास में। अच्छा चलिए इसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसका बेसिक बताते हैं और थोड़ा बताते हैं अपने बारे में, क्योंकि अगर आप हमारे नए चैनल पे और आप हैं बिल्कुल नए हमारे चैनल पे तो आपको हमारे बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यह हम हैं दोस्तों एसर टेलीकॉम, इंडियाज़ वन ऑफ बिग इंस्टीट्यूट ऑफ मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जहाँ आपको मिलेगा हार्डवेयर का नॉलेज, जहाँ मिलेगा बेसिक से एडवांस लेवल पे हार्डवेयर का नॉलेज, जहाँ आपको चिप लेवल पे सिखाते हैं, जहाँ आपको मिलेगा एमएमसी हो गया, या हम EMCP कहें या हम कहें UFX जो बिल्कुल नया चिप आया है अभी मार्केट में, उसका नॉलेज, उसको उतारना, उसको लगाना, उसकी प्रोग्रामिंग करना, उसको चेंज करना, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे सिखाते हैं स्टूडेंट को। किस तरह से फॉल्ट आते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग हम यहाँ पे सिखाते हैं, ट्रेसिंग हो गया,
कॉम्पोनेंट का नॉलेज हो गया बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक कॉम्पोनेंट के नॉलेज से आप कोई भी सेक्शन हो, वाईफाई जैसे सपोज अगर आपके पास कोई मोबाइल फोन आता है उससे वाईफाई नहीं चल रहा है, ग्रे आउट हो गया है, आपको नहीं पता कि कैसा वाईफाई काम करता है, क्या वाईफाई पे ईएन सिग्नल आता है या वाईफाई पे किस तरह की कौन कौन सी सप्लाइयाँ इनपुट वोल्टेज की तरह आती हैं या वाईफाई पे किस तरह की कंट्रोलिंग सप्लाई होती है, कौन सी आउटसाइड डिफरेंस कैपेसिटर या किस तरह की उन्होंने आउटसाइड एक लाइन देके रखी हुई है या कौन सी एक ऐसी कमांड लाइन है जो कि I2C या प्रोटोकॉल फॉलो करती है, तो वो सारी लाइनों का अगर आपको नॉलेज नहीं है, आपको वाईफाई की फ्रिक्वेंसी नहीं पता है कि कितनी फ्रिक्वेंसी पर वो VCO से क्रिस्टल एक फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है, तो ये सारी चीज़ों की अगर जानकारी नहीं है तो वो जानकारी आपको मिलेगी बेसिकली सिर्फ कंपोनेंट से। दोस्तों सिर्फ कंपोनेंट को चेक कर करके आप अपने सेक्शन को बना सकते हैं, तो कंपोनेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ एक दिन में कंपोनेंट पढ़ाया बिल्कुल भी नहीं आ सकता, हाँ पढ़ा तो जा सकते हैं पर उस पर प्रैक्टिस पूरे 10-15 दिन की चाहिए एक टीचर के सामने बैठकर। जब तक आप 15-20 दिन की प्रैक्टिस नहीं कर लेते तब तक मेरे को नहीं लगता कि किसी भी मोबाइल इंस्टीट्यूट में आप मोबाइल ट्रेनिंग सीखते हैं। अगर हम अपने टाइमिंग की बात करें तो हमारे यहाँ 40 दिन का कोर्स होता है, 40 दिन वो भी हमारे अगर हर दिन की बात करें तो हमारे यहाँ सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक क्लास लगती है। उसमें भी जो वीक स्टूडेंट होते हैं जो कि होते हैं ना कि कुछ पूरा दिन भर बताने के बाद भी कुछ जो डाउट्स रह जाते हैं उन डाउट को क्लियर करते हैं उस स्टूडेंट के साथ में, और हम यहाँ पर इसके साथ में दोस्तों हमारे जो प्रैक्टिकल सेक्शंस है थ्योरी सेक्शंस के अलावा वो सबसे ज़्यादा है। सुबह से 8 बजे से हमारा 12 बजे तक पूरा प्रैक्टिकल रहता है, उसके बाद 12 बजे से 5 बजे तक हमारा थ्योरी सेक्शन रहता है जिसमें बीच में हम एक ब्रेक देते हैं, और उसके बाद 5 से बाद डायरेक्ट 8 बजे तक हमारा फिर से वही प्रैक्टिकल सेक्शन चालू हो जाता है जो कि हमने थ्योरी में लाते हैं। तो सारी चीज़ों को आप यहाँ पे बेसिकली यहाँ सीखते हैं। आधुनिक आपको यहाँ पर टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, माइक्रोस्कोप से लेकर स्क्रैपर हो गया या कोई सा भी एक नया टूल हो गया। यहाँ पे हम फ्री में OCA क्लास भी देते हैं जहाँ पे हमारे इंडिया की टॉप मोस्ट OCA हमारे पास है। जैसे हम बात करें जितने भी बड़े बड़े ब्रांड, अगर वो AKT का हो या फिर वो ZX का हो या फिर वो हो हमारे BST का, तो जितने भी बड़े बड़े ब्रांड है हमने सारे ब्रांड अपना हमारे इंस्टीट्यूट में हैं और हम सारे ब्रांडों से बाकायदा हर एक OCA मशीन से उनको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं और स्टूडेंट खुद प्रैक्टिकल करते हैं जिसमें उनको पता चलता है कि कौन सा OCA बेस्ट है, तो वो उसी OCA पर परचेसिंग करते हैं। दोस्तों हम टूल्स नहीं बेचते, मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ये कॉम्बिनेट प्रो तो खैर ये तो है ही मेन, इसके बारे में तो आपको बताऊंगा ही। सबसे पहले बता देता हूं कि हम टूल सेलिंग नहीं करते दोस्तों, ये हम टूल सेलिंग नहीं करते। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते होंगे कि जब भी हमको कॉल किया जाता है तो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि आपके पास में UFI होना चाहिए, आपके पास में ये टूल होना चाहिए, आपके पास में वो टूल होना चाहिए, तो हमारा मतलब ये नहीं है कि आप हमसे परचेस करो। हमारा कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई स्टूडेंट अगर किसी कोर्स के लिए सोचता है कि मुझे वो कोर्स करना चाहिए तो वो सिर्फ कोर्स के लिए सोचता है, वो कभी ये नहीं सोचता कि उसके बाद जब वो कोर्स करके जाएगा तो प्रैक्टिस किस पे करेगा, क्योंकि अब वो गेम नहीं रहा कि आपसे भी कोर्स होल्डिंग आने लेके और एक असेंबली लेके सस्ती की बैठ जाओ। यहाँ आपके पास में माइक्रोस्कोप होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, अगर आप माइक्रो जंपरिंग सीखी है तो आगे जाके कैसे माइक्रो जंपरिंग करोगे, आंखों से देख के तो करोगे नहीं, ना ही वो आप कोर्स करके आए 50,000 का और आप 2,000 की वो जो लेंस से लेकर काम कर रहे हो तो ये भी जस्टिफाई नहीं करता है। तो दूसरी बात करें माइक्रोस्कोप की बात करें, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर वो टूल्स की बात करें, स्क्रैपर से लेकर छोटी छोटी PPD तक कितनी सारी आपको क्या लेना है, ये सारी चीज़ें का हम नॉलेज यहाँ पे देते हैं। साथ में ये भी बोलते हैं ये आपको लेना बहुत जरूरी है। स्टेंसिल की बात करेंगे, यूनिवर्सल स्टेंसिल से पावर आई से तो रिवॉल्व हो जाती हैं, हर छोटी छोटी डिस्प्ले और ये सब चार्जिंग आई से रिवॉल्व हो जाती हैं, पर हर सीपीयू को रिवॉल्व नहीं किया जा सकता है। आपके ड्यूअल सीपीयू हो गए या बहुत सारे ऐसे सीपीयू हो गए या MMC को रिवॉल्व नहीं किया जा सकता है, तो ये बात आप भी समझ लीजिए कि आपके पास में स्टेंसिल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। स्टेंसिल भी और एक पूरा पैकेज स्टेंसिल का चाहिए होता है, क्योंकि कभी कभार गलती आप भी अगर किसी IC को ज़बरदस्ती यूनिवर्सल से अगर 2-3 बार रिवॉल्व करने की कोशिश करेंगे सो वो आपका डैमेज हो सकता है। तो क्यों अगर ऐसा होता तो स्टेंसिल क्यों बनती नहीं, तो यूनिवर्सल ही मार्केट में घूमती और वही बिकती, तो ये भी एक सोचने की बात है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे सोल्डिंग आयरन, कितना हीट आज आप देखेंगे समीर जी का चैनल तो वहां पे वो कितनी मेहनत कर रहे हैं, जहां वो बता रहे हैं कि भाई सुगुन का एक सोल्डिंग आयरन बता रहे हैं एज कंपेयर विद जो हम कर सकते हैं यहां पर हमारे जो हमारा किसका है JBC जो एज कम्पेयर विद कर सकते हैं हमारा JBC के साथ में जो 20,000-22,000 रुपये का आता है वो आज 10,000 में आ रहा है। तो क्यों ये मार्केट ऊपर जा रहा है, क्योंकि आप काम कर रहे हैं एक ऐसे मोबाइल में जो बहुत महंगे हैं। आप काम कर रहे हैं ऑलरेडी ऐसे मोबाइल में जो 10,000 के 20,000 के 30,000 40,000 50,000 के मोबाइल में हो,
तो आप काम कर रहे हैं ऐसे और टूल आप पकड़े हैं 200-500 रुपए का, तो ये भी सोचिए ये जस्टिफाई नहीं होता है। तीसरी बात बताओ आईसीओ की। दोस्तों अगर मान लीजिए आपके पास कोई फोन आता है, चार्जिंग एम्पेयर नहीं ले रहा, सपोज आपने कंपोनेंट चेक किए, सारे कंपोनेंट सही हैं, सप्लाई नो, अगर आपको आती है इनपुट आउटपुट या उसकी जो भी एन सिग्नल है या जो किस तरह से चार्जिंग स्विचिंग होती है आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने डायरेक्ट आईसी चेंज की और मान लीजिए आईसी चेंज करने के बाद नहीं हुआ तो आप दूसरी आईसी कहां से लाएंगे, तो आईसीओ का भी स्टॉक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्क्रैप बोर्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ये भी आपके लिए आप देखिए कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये सब आपके पास हो। इसके अलावा मैं बात करूं जो सबसे मेन होता है वो होता है UFI या होता है JTAG। अगर आप UFS का काम सीखने आए हैं तो आपके पास JTAG और उसका अडेप्टर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप UFI का काम सीख रहे हैं, ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं, तो आपके पास में वो होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपके UMT Pro हो गया, आपके पास में Z3X हो गया, आपके पास में बहुत सारी चीज़ें जो मेडिकल थंडर हो गए, तो ये सॉफ्टवेयर आपके पास नहीं होंगे तो सीख कर भी किसी इंस्टीट्यूट से बाद में क्या करोगे। तो दिमाग में रखिए, मैं पहले बोल रहा हूँ कि एसर टेलीकॉम कोई भी टूल, ये पहला शायद देश का इंस्टीट्यूट होगा जो इतने बड़े लेवल पे काम कर रहा है पर कभी आज तक कोई टूल नहीं बेचता है। हम क्योंकि हमारे साथ में बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर जुड़े हुए हैं, जैसे ZX मलिक हो गए, MK टूल हो गए, और उसके अलावा भी बहुत सारे टूल जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, AKT के जो टूल्स हैं वो भी हमारे साथ में, हम उनके भी हम आपको रेफरेंस के थ्रू दें। तो सबसे बड़ी बात बता दूं कि जो भी हमारे पास स्टूडेंट है, जो स्टूडेंट किसी भी इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि सिर्फ कोर्स का बजट मत रखिए, एक अपने टूल्स का भी बजट रखिए। अगर आप टूल्स का बजट रखेंगे तो आप आगे मार्केट में काम कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने ऐसे देखा है कि वो सोचते हैं कि सभी लॉकडाउन चल रहा है या फलाना चल रहा है, मैं कोर्स कर लेता हूँ बाद में टूल परचेस कर लूंगा। भाई टूल नहीं होगा तो काम किस पे करोगे? अगर आपको ये बात जायज लगती है तो कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर बिना टूल के तो कुछ भी नहीं हो सकता है। और टूल अपडेट होते हैं धीरे धीरे, जिस तरह से टूल आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो जिस तरह के आप वीडियो देख रहे हैं आजकल मार्केट में कितना काम हो रहा है, आप जाइए किसी भी इंस्टीट्यूट में तो आप देखेंगे कि कितने बड़ी बड़ी मशीनें वहाँ पर लगी हुई हैं। तो क्यों भाई, वो मशीन जब तक आप ले जाकर आप खुद परचेस नहीं करोगे तो वो भाई कैसे सीखोगे? तो चलिए बात हो गई यहाँ पे टूल की, ये बताना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आपको एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते समय एक बजट अगर आप एक इंस्टीट्यूट का बना रहे हैं तो टूल्स का भी बना के चलिए और उससे पूछिए कि मुझे क्या चाहिए। देखिए अगर वो आपसे बोलते हैं कि भाई ये चाहिए वो चाहिए, आप जाके यहाँ से ले लेना या फिर मैं दे दूंगा, या फिर आप बोलेंगे आप पहले सीख लो और आ जाओ। जैसे कि सपोज अगर आपसे कोई इंस्टीट्यूट वाला बोल रहा है कि भाई आप आ जाओ और सीख लो उसके बाद में देख लेना, तो समझो भाई सिर्फ फीस देने से या फीस लेने से कोई मतलब नहीं दोस्तों। एक इंस्टीट्यूट वही सबसे बेस्ट होता है जो आपसे बोलता है कि भाई अगर आपने सीखा है तो आप जल्दी से जल्दी टूल लेके हमें दिखाओ, हमें सेंड करो अपना क्या आपके पास टूल है, ताकि जो हमने आपको सिखाया है, जितना भी हमने आपको ट्रेन किया है, वो आप वहां जाके रेगुलर काम करो। क्यों इंस्टीट्यूट वाले या क्यों बड़े बड़े ज़्यादातर जो एक सही इंस्टीट्यूट वाले होते हैं वो सिर्फ उन बच्चों को लेते हैं जो एक्सपीरियंस हो, क्योंकि उनको पता है कि उनके बारे में सारे टूल होते होंगे, जो बहुत जो बिल्कुल एक फ्रेशर बच्चे होते हैं उनको बहुत कम लोग लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि फ्रेशर बच्चे सीख के तो चले जाते हैं पर कोई भी टूल परचेस नहीं करते, फिर बाद में बोलते हैं सर हमको ये नहीं आ रहा, सर हमको वो नहीं आ रहा। सो ये बात आपके लिए मैं आज कहना चाहता हूँ कि आप अगर कोई बजट बनाते हैं तो ये भी सोचिए कि मुझे टूल भी परचेस करने हैं जिस पे मैं काम करूंगा। भाई सीख के तो चले गए, हाथों से तो काम करोगे नहीं ना। तो चलिए आते हैं यहाँ पर हमारे कॉम्बिनेट प्रो पे। उससे पहले बता देता हूँ ये ZS मलिक की वेबसाइट, आप यहाँ पे जा सकते हैं और आपको जो भी टूल परचेस करना है आप यहाँ पे परचेस कर सकते हैं। ये एक ऑनलाइन एक जरिया है घर बैठे, बाकी अगर आपको घर से निकलना है तो बिल्कुल निकलिए और अच्छी अच्छी दुकान MK टूल में आप जा सकते हैं, आप इसके अलावा AKT आप वहाँ जा सकते हैं, बहुत सारे टूल्स आपको वहाँ पे परचेस करने को आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ जाइए और उन टूलों के बारे में आप पता कर सकते हैं। और दोस्तों ये हो गई हमारी वेबसाइट जहाँ पे आप हमारी बुक खरीद सकते हैं, ये हमारी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की बुक है और एक है हमारी हार्डवेयर रिपेयरिंग जो कि 2020 का एक अपडेट मॉडल है, और ये बुक आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। सिर्फ आपको करना है क्लिक इस बुक पर, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मुझे ये बुक परचेस करना है तो मैंने इस पर क्लिक किया, और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए बुक स्टोर खुल जाता है, यहाँ से आप इस बुक को परचेस कर सकते हैं। अब दोस्तों इस बुक में मिलेगी बहुत सारी जानकारी जिसमें आपको कंपोनेंट से लेकर एक सर्किट लेवल पर जानकारी मिलेगी। मैं आपको बता दूं ये बुक में हिंदी और इंग्लिश दोनों पे है, अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप उस वो भी पढ़ सकते हैं और हिंदी आती है तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। और अगर आप कहेंगे इसी यार ये बुक ले लेंगे तो हमें क्या इंस्टीट्यूट आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्या? बिल्कुल आपको आने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कोई भी बुक सिर्फ एक थोड़ा सा नॉलेज देती है, 5%, पूरा नॉलेज तो आपको टीचर ही दे सकता है, एक बढ़िया टीचर, एक एक्सपीरियंस टीचर जो आपके सामने बैठकर आपको अपना एक्सपीरियंस देगा कि भाई वो कितना सीखा है, तो वही चीज़ है वो आपको बता पाएगा। तो और दोस्तों बता दूं कि ये फेसबुक में आप हमारे जुड़ सकते हैं,
और हमारे फेसबुक पर जुड़ने के लिए हमारा, मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगा और ऑब्वियस है नीचे जाइए, लिंक देखिए बहुत सारी है, देखिए क्या एसर टेलीकॉम कौन कौन सी लिंक दे रहा है भाई, सबको जाके क्लिक करो। ये एसर टेलीकॉम का हमारा ऑफिशियल चैनल, ऑफिशियल फेसबुक का हमारा एक पेज जहाँ पर आप जाइए और यहाँ पर आप इसमें हमारे वीडियो देखिए, करंट के हमारे वीडियो देखिए, जो भी हमने स्टूडेंट के वीडियो बनाते हैं, जो हम उनसे पावर एसी या सीपीओ कोई सा भी काम हमसे प्रैक्टिकल करवाते हैं, रिव्यू लेने से पहले हम उनसे पहले काम करवाते हैं, फिर जाके रिव्यू लेते हैं और वो हम अपना फेसबुक में डालते हैं। तो जाइए और वीडियो को वॉच कीजिए तो आपको लगेगा कि भाई करंट में इनके क्या काम कर रहे हैं। वैसे हमारे काम तो इतने हैं कि फेसबुक में अगर वीडियो आप देखने चले जाएंगे तो वो पूरा हफ्ता या पूरा महीना भी लग सकता है। तो चलिए ठीक है, बात करते हैं इस टूल पे। तो इस टूल में देखेंगे मॉडल कौन कौन से है, तो सबसे पहले मॉडल की बात करेंगे। सो एक है एप्पल, हुआवे, मेजू, वन प्लस, ओप्पो, ओप्पो के हार्डवेयर सोल्यूशन। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि ओप्पो भी है तो ओप्पो के हार्डवेयर सोल्यूशन है, तो इसमें क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ओप्पो की बात करूंगा, सो देखिए इतने बहुत सारे मॉडल यहाँ पे मिल जाएंगे, F1, F1S का स्कीमेटिक और उसके अलावा और भी रियलमी 1, 2, 3 के स्कीमेटिक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। हाँ तो मैं जैसे कि कह रहा था कि ये कॉम्बिनेट प्रो है, यहाँ स्कीमेटिक नहीं मिलते दोस्तों, यहाँ बिटमैप मिलता है। हाँ क्योंकि मुझे लगा कॉम्बिनेट है, एकदम से सडनली देखे मैं कैसे स्विच हुआ, सो मुझे लगा कॉम्बिनेट है, ये है कॉम्बिनेट प्रो, यहाँ आपको मिलेगा बिटमैप। सो कमाल की चीज़ है दोस्तों, यहाँ पे आपको मिलेगा बिटमैप। तो जैसे सपोज मैंने ये ओपन किया और ये होता है बिटमैप। बिटमैप क्या होता है, चलिए बिटमैप की बात करते हैं और बताते हैं आपको बिटमैप क्या होता है। दोस्तों एक होता है आपका सर्किट स्कीमेटिक, जिसमें आप देखते होंगे कि सप्लाइयाँ आपको दिख रही हैं, ये बताते हैं कि आईसी के A12 बैट से या आईसी किस पैरेलल सीरीज कनेक्शन से होते हुए किस लाइन पे जा रही है, इनपुट या आउटपुट बताते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर आपको पीसीबी में बताई जा रही है, बट आपको ये बताया जा रहा है कि कौन सा पैड किस पैड से कनेक्टेड है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, ये मेरा बैटरी कनेक्टर है और बैटरी कनेक्टर में आप देख रहे होंगे यहाँ पे, देखिए कलर्स बता देता हूँ, चलिए कलर्स बताता हूँ। सो सबसे पहले आप यहाँ पे कलर देख रहे होंगे, एक आपको ग्रीन दिख रहा होगा, एक आपको ब्लू दिख रहा होगा और एक आपको यहाँ पे सिल्वर कलर दिख रहा होगा। तो देखिएगा जो सिल्वर कलर है वो है ग्राउंड का कलर, जो ब्लू है वो आपका एनसी का है और जो ग्रीन है वो है आपका प्लस, मतलब जो आप जो लाइनिंग सप्लाइयों का आपका कलर होता है वो होता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, सपोज अगर आप कहते हैं कि सर मेरे पास एक मोबाइल फोन आया जिसमें B10 टेम्परेचर का एरर, लो टेम्परेचर एरर आ रहा है, तो सर मैं किस लाइन पे काम करूँ। तो भैया चार्जिंग पे काम मत करो, पहले आप बैटरी टेम्परेचर पे काम करो, क्योंकि बैटरी सेंस करती है, बैटरी के दो कॉम्पोनेंट, दो पार्ट सबसे मेन होते हैं। अगर मैं बात करूँ अगर बैटरी तो दोस्तों अगर बात करेंगे ना, सेलों के कॉम्बिनेशन को बैटरी कहते हैं, दो कोशिकाओं के संबंध को बैटरी कहते हैं, एक सेल के अंदर काफ़ी, एक बैटरी के अंदर कितने सारे सेल्स होते हैं, तो बैटरी क्या है। सो अगर मैं बात करूँ बैटरी की, तो हमारे बैटरी में दो प्रकार की अभी बैटरी मार्केट में चलती है, लिथियम पॉलीमर और एक लिथियम आयन। जो हमारे मार्केट में अभी चल रही है लिथियम पॉलीमर, क्योंकि इसमें जो एनोड और कैथोड के जो केमिकल्स हैं वो जेल की तरह है, तभी वो थोड़ी मोड़ और सॉफ्ट होती है, वहीं पर वो एनोड और कैथोड की एक तरह से एक सीट है जो हम उसको मोड़ नहीं सकते। ज़्यादा अच्छी हमारी लिथियम पॉलीमर मानी जाती है, क्योंकि उसका शेप किसी भी राउंड में किसी भी आकार में बदला जा सकता है। सो अगर बात करेंगे बैटरी, बैटरी को दोस्तों दो काम करती है, बैटरी अगर मैं बात करूं दो या तीन काम करती है, दो भी काम क्या तीन काम करेगी। तो पहला काम तो बैटरी का ये होता है कि भाई उसको वोल्टेज देना है, वो एक डीसी को जनरेट करती है, वो जैसे केमिकल में रिएक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन जनरेट करती है और डीसी पैदा होती है, डीसी सेव करती है और आपको डीसी का आउटपुट देती है आपके प्लस माइनस से, माइनस को ग्राउंड करती है, प्लस तक जाके लोड पूरा होता है। अगर मैं बात करूँ सर सिर्फ बैटरी का, क्योंकि उसके ऊपर एक सर्किट भी होता है, जैसे कि आप फोटो देख रहे होंगे बैटरी के ऊपर एक सर्किट भी होता है, पर ये सर्किट क्या काम करता है दोस्तों, ये होता है फ्यूल गॉज सर्किट। फ्यूल गॉज सर्किट क्या काम करता है बेसिकली, और भी बताऊंगा इसके अलावा, फ्यूल गॉज या बैटरी टेम्परेचर या बैटरी का जो BSI का सेंस होता है, चलो ये बात थोड़ा रिवील करते हैं। जैसे इसमें है चार पॉइंट, नॉर्मली बैटरी में तीन होते हैं और जैसे कभी कभी दो भी आ जाते हैं, तो जिसमें तीन होते हैं उसमें होता है, जिसमें तीन होते हैं उसमें होता है एक बी बैट, जो कि टेक्निकल लैंग्वेज में उसको वोल्टेज बैटरी कहते हैं, दूसरा होता है आपका BSI जिसको बैटरी स्टेटस इंडिकेटर कहा जाता है, और जो बैटरी के स्टेटस को इंडिकेट करता है, जो आपको बताता है कि बैटरी कितनी चार्ज है, कितनी डिस्चार्ज है। साथ में तीसरा पॉइंट होता है ग्राउंड, क्योंकि ये चार पॉइंट है, तो इसमें चौथा पॉइंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा B temp बैटरी टेम्परेचर, जो कि ये बताएगा कि बैटरी का टेम्परेचर कितना है और जो कि वो सर्किट काम करेगा जो बैटरी के अंदर लगा हुआ है। सपोज अगर बैटरी के अंदर कोई सर्किट ही नहीं लगा, ICO में कोई सर्किट ही नहीं लगा, तो इससे भी ये वोल्टेज देखा, इससे भी एक नॉर्मल बैटरी बन के रह जाएगा।
आप देखेंगे जो घड़ी के सेल होते हैं वो कभी ये नहीं बताते घड़ी के ऊपर की वो कितनी चार्ज है कितनी डिस्चार्ज है वो, क्यों? क्योंकि उसके अंदर किसी प्रकार का सर्किट नहीं लगा। तो मेरे भाई अगर सर्किट लगा है तो उसमें एक फॉल्ट भी आएगा, और अगर फॉल्ट आएगा तो ये मान के चलो वो एक एरर में आएगा। तो जैसे अगर BSI में फॉल्ट आता है तो ये बैटरी एरर के फॉल्ट आ जाते हैं, और टेम्परेचर में आता है तो टेम्परेचर के फॉल्ट आ जाते हैं। सो बात करते हैं अगर यहाँ पर टेम्परेचर का एरर आएगा तो देखिए सबसे पहले बता रहा है कि यहाँ एक कॉम्पोनेंट में लगा हुआ है जो कि सीरीज कॉम्पोनेंट से होते हुए, अब देखिए यहाँ पर क्योंकि इसको वोल्टेज मिल रहे होंगे ऑब्वियस है, यहाँ पर 1.8 वोल्टेज और ये एक VREG की LDO सेक्शन की लाइन होगी। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा उसके साथ देखो कि किस IC में ये जा रहा है, और बेसिकली ये मेन पावर में जाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, और यहाँ पर ये भी देखते हैं कि कोई बैटरी की IC लगी है क्या। सो यहाँ से इस कॉम्पोनेंट में जा रहा है, आप देखेंगे यहाँ पे एक छोटी IC लगी हुई है, 1, 2, 3 और ये 12 बॉल की एक IC लगी हुई है, इस IC में जा रहा है। तो दोस्तों अगर आपके पास कोई ऐसा फोन आता है कि इस IC के अंदर किसी प्रकार का पानी जम गया या शॉर्टिंग आ गई या लीक हो रहा है, हीट हो रहा है, तो ये हो सकता है कि बैटरी एरर या बैटरी लो टेम्परेचर दे दे, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि ये बैटरी टेम्परेचर का है या बी टाइम का है या BSI का। हाँ, पर जब PCB आएगी तो मैं ज़रूर बता दूंगा और ज़रूर आपको चेक करके बताऊंगा, और आप भी बता देंगे मेरे सामने बैठ के कि सर हाँ सर मेरे को सर्किट डायग्राम की जरूरत नहीं, मैं बिना सर्किट डायग्राम के भी बता सकता हूँ कि कौन सा बी बैट है और कौन सा BSI है, कौन सा बी टाइम है। जब आप आएंगे तो आप खुद जान जाएंगे। तो बी बैट की बात करते हैं, क्योंकि बी बैट पहले जैसा नहीं रहा है। पहले बी बैट क्या था कि वो डायरेक्टली सीधा उसको हर सेक्शंस के बाद जोड़ दिया जाता था, पर अभी बी बैट के बीच में प्रोटेक्शन IC लगा दी गई है जिसको DC-DC कन्वर्टर कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके किसी सेक्शन में अगर कोई फॉल्ट आता है और आपके कोई कॉम्पोनेंट शॉर्ट होता है किसी लीकेज की वजह से, तो आपकी बैटरी को प्रॉब्लम ना पड़े, तो इसीलिए उसके बीच का ट्रैक तोड़ दिया, उसके बीच में प्रोटेक्शन IC लगा दी। चलिए देखते हैं इसमें प्रोटेक्शन IC कौन सी है। और दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं इसकी प्रोटेक्शन IC आप यहाँ पर, तो यहाँ पर एक आपको प्रोटेक्शन IC यहाँ पे एक MOSFET लगा आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे भी प्रोटेक्टर IC डायोड की मिलकर आपको यहाँ पर दिख रही होगी। और उसके साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे भी देखो कुछ आपके टेस्टिंग पॉइंट आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे जो बी बैट के यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। यही चीज़ आपको आउटपुट में ले जाती है इस तरह से, और यहाँ पर ये आपको देखे आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर आपकी इस IC में ये ले जा रही है। दोस्तों ये जो IC है ये आपकी है DC-DC कन्वर्टर IC, बेसिकली सेकेंडरी सब, तो बेसिकली ये IC आपकी DC-DC कन्वर्टर IC, ऑब्वियस है कि बेसिकली सेकेंडरी IC आपकी, और ये है आपकी प्राइमरी IC। अच्छा, प्राइमरी और सेकेंडरी में जो पहचानने का तरीका है वो काफ़ी कमाल का है, वो भी मैं आपको बता दूंगा आगे, और यही सारी चीज़ पे हम चर्चा करेंगे। ये आपका है CPU, ये आपका है 2.2 पॉइंट, ये आपका CPU, ये है 254 BG है आपका, और यहाँ पे आपकी पावर लगी हुई है। ऑब्वियस है कि ये कोई नेटवर्क सेक्शन, जैसे कि नेटवर्क नहीं बोलूँगा, ये एक फ्रिक्वेंसी वाईफाई या ब्लूटूथ सेक्शन की एक IC होगी, और यहाँ पर आपको रियली जो IC लगी होगी वो आपकी IC लगी होगी WSDR, क्योंकि अगर मैं बात करूँ ये बोर्ड में ये क्वालकॉम का CPU लगा हुआ है, तो ये आपकी SDR यहाँ पर लगी हुई है। तो चलिए ठीक है, और ये आपकी कुछ नेटवर्क IC हैं जो PFOA 4G और 2G 3G का यहाँ पर आपको IC यहाँ पर मिल रही होगी। चलिए, तो ये सारी चीज़ें नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे कि मैं ये बता रहा था कि बिट मैप क्या होता है, तो देखिए बिट मैप क्या होता है, जैसे मान के चलिए आपके पास में आपने MMC का काम किया और सपोज ये पैड उखड़ गया, अभी आप देख रहे होंगे इस पर सरफेस लेयर कुछ भी नहीं है, ऊपर कोई भी सरफेस लेयर नहीं दिखाई दे रही है, तो उस पैड को कैसे बनाएंगे। सो वो पैड को बनाने के लिए जैसे सपोज अगर बिट मैप या आपके पास में स्कीमेटिक का नॉलेज होना चाहिए, पर क्योंकि बिट मैप होगा तो स्कीमेटिक की भी जरूरत नहीं है। तो भैया सीधा काम करना है, आपने यहाँ पर इसको टिक करना है, तो आप देखेंगे ये कैपेसिटर इससे जुड़ा हुआ है, ये कैपेसिटर इससे जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ये तीन पैड भी इससे जुड़े हुए हैं। तो आप यहाँ से इस कैपेसिटर पर एक जम्पर मारेंगे, माइक्रो जम्पर होगा क्योंकि वो IC के अंदर जा रहा होगा, और आपका काम हो जाएगा। तो जैसे सपोज अगर आपके पास कोई फ़ोन आया और जिसमें ये बूस्ट कॉइल शॉर्ट हो रहा है, तो आप देख सकते हैं कि बूस्ट कॉइल का एक सिरा किधर कनेक्टेड है इस IC में। तो ऑब्वियस है कि अगर आपका यहाँ पर ये कॉइल दोनों तरफ से शॉर्ट हो रहा है, तो आप इस कॉइल को निकालोगे और एक 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 सिरे पे आप देखोगे कि शॉर्टिंग किस सिरे पर है। अगर आप देखा कि शॉर्टिंग इस सिरे पे है, तो मतलब ये किसी कॉम्पोनेंट की वजह से नहीं है, ये IC की वजह से है। और इधर है तो ये देखेंगे कि यहाँ पर ये दो कैपेसिटर आपके शॉर्ट हो सकते हैं, और उसके साथ में यहाँ पे एक कैपेसिटर यहाँ पे शॉर्ट हो सकता है, साथ में ये कैपेसिटर भी यहाँ पे शॉर्ट हो सकता है, मतलब ये लाइन जो आपकी यहाँ पर जा रही है। तो ऐसे ही कुछ होता है बिट मैप। तो यहाँ पर और आप देखेंगे किस किस का बिट मैप मिलेगा, Realme 3, मतलब कितना। और अच्छा,
कितना जल्दी यहाँ पे खुल रहा है। तो देखिए रियलमी 3 का बिट मैप अपडेट नहीं किया गया है, पर बहुत जल्दी यहाँ पे बिट मैप आएगा और यहाँ पे ऊपर पैड भी खुले हुए हैं ताकि आप अच्छे से पैड देख सकते हैं। चलिए देखते हैं थोड़ा सा एप्पल में पहले इन्होंने क्या दिया हुआ है। एप्पल में तीन है, एक आईफोन हार्डवेयर सोल्यूशन और आईपैड। अच्छा बात कर रहे थे हार्डवेयर सोल्यूशन की, तो हार्डवेयर सोल्यूशन क्या है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं यहाँ पे खोलता हूँ, जैसे मैं ओपन करता हूँ 7 का ओपन करता हूँ कॉलकम का पीसीबी 7+ का। चलिए तो देखिए यह है बोर्ड एप्पल का 7 का जिसमें लगा हुआ है A10 प्रोसेसर और यहाँ पर इसका BB बेसबैंड और यहाँ पे इसका जो आपकी पावर IC यहाँ पे यूज हुई है BB का। आपका जो पावर IC होती है बेसबैंड की, जो पावर IC होती है जिसको BBPMU कहा जाता है और यहाँ पे NFC IC आपकी Wi-Fi IC लगी हुई है और यहाँ पे आपको नेटवर्क सेक्शन दिया हुआ है। सभी प्रकार के आपके यहाँ पर PFO देखने को मिलेंगे, अवागो ट्रीटक्वेंट, इस तरह के आपको यहाँ पे चीज़ें मिलेंगी। यहाँ आपको WTRIC दी हुआ, आपका जो ट्रांसीवर होता है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे आपकी U2 आपका स्पीकर IC और आपकी अलग चार्जिंग IC यहाँ पे आपको दी गई है। यहाँ पे हम बात करेंगे, ये आपका डिस्प्ले है और ये आपकी MIPI की लाइन है। जैसे सपोज अब मान लीजिए ये ट्रैक आपका ब्रेक हो गया है या ये कॉम्पोनेंट आप खो चुके हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ से वो सीधा जाएगा CPU में, जैसे कि मैं बता दूँ यहाँ पर, और ये देखिए तो ये जा रहा है सीधा CPU में और ये जा रहा है BB5 और जिसमें यहाँ पे बता रहा है MIPI AP2 LCM Data_P। मतलब अगर इसका फुल फॉर्म बताऊँ तो ये है मोबाइल इंडस्ट्री प्रोसेसर इंटरफेस एप्लीकेशन प्रोसेसर टू LCM डाटा एक पॉजिटिव कनेक्शन। तो बहुत एक कमाल की चीज़ है जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन सी चीज़ क्या काम कर रही है। इवन यहाँ पर लिखी भी है, जैसे स्पीकर, यहाँ पर स्पीकर एक IC यहाँ पर दी हुई है, ये आपकी स्पीकर IC यहाँ पर दी हुई है और देखेंगे ये एक LDO यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर VVD मेन NFC का एक LDO यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। लाइट IC मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये आपकी लाइट IC यहाँ पर दी हुई है, 2 लाइट IC लगा के रखी आईफोन में, 2 लाइट IC क्यों पता करना है तो एशिया टेलीकॉम को ज्वाइन करो, हम बताएंगे क्यों लगे हैं। नॉर्मली इसे CPU निकलवा के लोग छोड़ देते हैं, भेज देते हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि A12 में A7 जो अपना जो CPU है A10 में उसमें 2 लाइट क्यों लगी होती है। अच्छा उसके साथ में अभी एक वीडियो नया आने वाला है iPhone 6 का, पूरा कंप्लीट एंडलेस सोल्यूशन जिसमें हम बताएंगे लाइट का, आपको आपका लाइट का आपको सोल्यूशन देंगे। तो ये आपको देखने को मिलेगी। सिम कनेक्टर की बात करेंगे, ये है क्लॉक की लाइन। क्लॉक की लाइन अगर हम बात करेंगे किससे जुड़ी हुई है तो ये भी हम यहाँ पर देख सकते हैं, जो हमें यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। सो हमने टिक किया है क्लॉक को और हमको हर जगह पे देखना पड़ेगा और यहाँ पे कुछ टाइम बाद एक अपडेट हो जाएगा, एक नेक्स्ट का बटन। ये भी मेरे से बात हो चुकी है उनकी, सो उन्होंने कहा था कि सर हम आपको ये भी देने वाले हैं कि नेक्स्ट का बटन किधर है। अच्छा देखिए ये देखिए, तो यहाँ पर ये कैपेसिटर आपको दिख रहा है, ये कैपेसिटर यहाँ पे कनेक्टेड है क्लॉक की लाइन के साथ। और ये जा रही है बेसबैंड PMU में। आपने देखा कि बेसबैंड PMU से वजह से आपका इनवैलिड सिम, नो सिम या इस तरह का भी फॉल्ट आ सकता है। क्लॉक की लाइन नो काम, सिम काम ही नहीं कर रही है, बोलते हैं नो सिम आ जाती है। इसमें आपका ये प्रॉब्लम भी जाता है कि भाई IME सो नहीं कर रहा है, तो आप बोलते हैं यार बेसबैंड या इसका बेसबैंड निकाल लो, 6 में तो 2 जंपर मारने थे, यहाँ पे क्या करना है पता नहीं यार। तो ये पता करना है तो कोर्स ज्वाइन करो। तो ये तो हो गया सारी नॉर्मल बात। अच्छा SMS Pro 11 का PCB देखते हैं, 11 तो ये है 11 का देखते हैं कि ओहो ये है आपका आईफोन 11 कमाल का। यहाँ पर आपको बोर्ड दिख रहा होगा, 3 बोर्ड आपको दिख रहे होंगे, तो मैं आपको बता दूँ 3 नहीं है, वो एक्चुअल में एक ही बोर्ड है जिसको ऊपर नीचे से बताया गया 2 लेयर के साथ में। तो यहाँ पर एक बोर्ड ये है और एक बोर्ड ये है, 2 लेयर, तो मतलब ये 2 बोर्ड हो गए। अपर पर है एक ही पूरा, क्योंकि इसको जोड़ा जाता है PCB की लेयर के थ्रू। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये लेयर है और सबसे ज़्यादा है ना ये लेयर ही डैमेज होती है गिरने की वजह से। वाईफाई चलना बंद हो जाता है, आपका स्पीकर या टच कर चलना बंद हो जाता है, तो बहुत प्रॉब्लम इस लेयर की वजह से भी जाती है। तो ये लेयर को बनाना, और ज़्यादातर ये लेयर में ना आपको 90% सिर्फ ग्राउंड ही देखने को मिलेंगे, बहुत कम लेयर होती है। अगर कई लोग उखड़ जाती है तो कई लोग ये भी सोचते हैं यार बताओ ये उखड़ गई अब मैं क्या करूँ, उनके बाद में ना ZXW होता है ना इस तरह का कॉम्बिनेट प्रो, कोई भी टूल नहीं होता, वो कोई भी काम नहीं कर पाते हैं। तो ये होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सपोज मेरी अगर ये वाली उखड़ गई तो मैं क्या करूँ, देखिएगा
अगर मान लीजिए जैसे ये वाली उखड़ गई है, तो ये यहाँ पर एक कनेक्टर पर जा रही है इधर से, सो माइक्रो जंपरिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर ये उखड़ गई है तो यहीं से माइक्रो जंपरिंग हालांकि आप कर लेंगे, सरफेस लेयर डी जाती है पर अगर आप चाहें तो देखिए इस आईसी से ये लेयर निकल रही है, इस आईसी से भी माइक्रो जंपरिंग की जा सकती है, क्योंकि भाई अंदर से ही इंटरनली तो ये दोनों कनेक्टेड होगी। आपने एक जगह से सिर्फ कनेक्शन देना है तो ये दोनों से कनेक्ट हो जाएगी, बट यहाँ पर माइक्रो जंपरिंग कर दोगे तो भी हो जाएगा। तो ये बड़ा कमाल का है। अच्छा, सोल्यूशंस में क्या है अब जैसे, तो भैया ये है आई टू सी बस लाइन, आई टू सी। सर आई टू सी क्या होता है? सर इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट, एक ऐसा सप्लाई लाइन प्रोटोकॉल जो कि सीपीयू देता है स्लेव आईसीओ को। आप देख रहे सीपीयू दे रहा है स्लेव आईसीओ को। आपके लिए पसीना बहा रहा हूँ दोस्तों, एसी में भी गर्मी लग रही है, क्यों आपके लिए काम कर रहा हूँ तो एक लाइक तो बनता है, कर दीजिए बिना बोले, बोलना पड़ता है आप लोगों को, और सब्सक्राइब कर दो क्योंकि वीडियो में बहुत कुछ है, देखते रहो। तो चलो आई टू सी लाइन को देखा जाए। बहुत सारे इंस्टीट्यूट से सीख कर भी आए होगे पर ये लाइन नहीं समझ पाए होगे, चलो इस वीडियो में समझ लो। ये है आपका मेन मास्टर और ये आपकी स्लेव आईसीआर, यहाँ पे दी है चाइनीज, आप यूज करो ट्रांसलेट, आपको मिल जाएगी कौन सी आईसी क्या है। तो ये यूएसबी कुछ में लिखा भी है, जैसे यूएसबी आईसी में आपके आई टू सी लाइन जा रही है, पीवी 1.8 ये आपका पुलअप आपके रजिस्टर के साथ में लगा हुआ है, एक सप्लाई जिसपे उसको वोल्टेज दिया जा रहा है। अगर एक रजिस्टर भी हट गया ना सर तो ये आपका गेम ओवर कर देगा। तो आई टू सी लाइन आपको यहाँ पर दिख रही है कमाल की, यहाँ पर आपको सप्लाई है, सीरीज में कॉइल भी लगी है, कनेक्टर पे भी जा रही है। ओहो, चलिए अब बात करते हैं अगर चार्जिंग फेलियर हो गया सिस का तो क्या करेंगे। चार्जिंग फेलियर हो गया, देखो इसमें कितना सब दिया है, किसी भी सर से पूछने की जरूरत नहीं है, इसे कॉमनेट प्रो परचेस कर लो, सब मिल जाएगा। तो चार्जिंग फेल हो गया है तो क्या करेंगे, तो भैया 1 2 3 4 5 यहाँ पर 1 2 3 4 करके यहाँ पे बहुत सारे सोल्यूशन यहाँ पे डाले गए हैं। चार्जिंग आईसी की जो है टेगरेज उसका भी यहाँ पे पूरा जीआर डाला गया है और उसके साथ में उसकी पूरी लाइन डाली गई है कि कौन सी लाइन क्या काम कर रही है। सीपीयू डाला गया है कि सीपीयू के साथ कौन कौन सी आपके बीबर डिडक्शन की लाइन हो या टेगरिस की एसडब्ल्यू लाइन, एसडब्ल्यूआई जो आपकी बीएसआई की लाइन जो एंड्रॉइड में बोलते हैं, जिसको आपकी आई टू सी ला आई टू सी वन यहाँ पे आ रहा है, चार्जिंग टू पीएमयू इंटरप्टेड आ रहा है, ये लाइन भी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। और ये चार्जिंग के अलावा भी एक ईएन सिग्नल होते हैं जो हमारी यू टू आईसी से हमारी चार्जिंग आईसी को आते हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक ईएन सिग्नल जैसे कि बताया था ये यूएसबी आईसी से आ रहे हैं, मॉसपैड लगे हुए हैं और क्या है, सब कुछ तो दे दिया है यार, क्या बचा है ये आपका सब कुछ। तो ये मॉसपैड लगा दिया Q1403, इसमें आपको बता दिया अगर ये आपका आईसी में दिक्कत है तो आपने C1 से A2 पर जंपर, एक जंपर काम हो जाएगा पर प्रोटेक्शन खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम सीधा बैटरी बूम। सो ये चीज़ आना बहुत ज़्यादा जरूरी है, साथ में बोर्ड का भी व्यू टच टच जो करना करो, आप समझ रहे हैं, ये आपके साथ इतनी सारी चीज़ मिल रही है। अब ये चीज़ आपको एंड्रॉइड में भी मिल रही है, कमाल है। जैसे ये 37 में दे दिया, अब आपको लग रहा होगा सर नया बोर्ड, अरे आएंगे सबर करो, वो बोलता है ना सबर करो सबको मिलेगा, तो यही चीज है आएगा, इसमें भी आपको मिलेगा। तो 37 में देखेंगे क्या है, ऑडियो सेक्शन काम नहीं कर रहा है तो क्या करें। ओ पूरा लाइन डाल दिया इसने ऑडियो में, वो बोला देखिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूं, वो बोला कि इन दो टिप से कनेक्शन आपका जा रहा है ये ऑडियो आईसी में, और ऑडियो आईसी की हर एक यहाँ पर बताया गया है कि कैसे वो एक पावर आईसी से जुड़ा हुआ है और किस तरीके से वो कनेक्टर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ऑडियो का है यहाँ पर। इसलिए देखो स्पीकर बात, चलो अच्छे से समझा देता हूँ। ये रिसीवर को देखो आप, इसकी लाइनिंग को कलर देख लो, लाइनिंग का कलर है एक का पिंक एक का ब्लू, ब्लू को पकड़ लो, ब्लू 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 ब्लू, और यहाँ पे एक कॉम्पोनेंट से होते हुए इधर और इधर से होते हुए सीधा पावर आईसी में, ओके। और यहाँ पर एक पकड़ा हमने पिंक 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 पिंक, यहाँ पर एक सीरीज में कंपोनेंट पैलर में कुछ पैलर में कैपेसिटर और डायोड प्रोटेक्शन के लिए, और उसके बाद सीधा पावर आईसी में। तो देखिए और ये आपका स्पीकर की लाइन जा रही है और ये आपकी इनपुट ऑडियो की लाइन आ रही है ग्रीन और आपकी ये ब्राउन कलर की। तो क्या नहीं है यार इसमें सब है, पर समझना आना चाहिए। आप सोच रहे होंगे सर ये तो बहुत टफ सा लग रहा है, समझ पाऊंगा कि नहीं समझ पाऊंगा, क्लास ज्वाइन करो देखो आपको पता चलेगा कि क्यों लोग ऐसे को इंडिया को नंबर वन कहते हैं। सो ये सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये आपको कॉम्बिनेट प्रो में मिलने वाली है, सैमसंग हो गए, रेडमी हो गए, ओह कितने सारे फ़ोन, सैमसंग नोट 7 प्रो स्कीमेटिक दे दिया उन्होंने यहाँ पर, मतलब उसका बहुत जल्दी वो भी डाल देंगे,
बिटमैप। अब आप बिटमैप भी समझ गए होंगे ना मेरे दोस्त, ये तो स्कीमेटिक डाल दिया। अच्छा पूरे बोर्ड के स्कीमेटिक डाल दिया, रेडमी के डाल 6A का सोल्यूशन डाला है, 6A के डिस्प्ले का सोल्यूशन देखेंगे, प्लस 5 माइनस 5 जो वोल्टेज आते हैं, जो हमारे जिसमें VSP या VDISP जिसको हम बोलते हैं, VDISP कॉलकम में बनते हैं, इसमें VSP बनते हैं, तो ये सारी चीज आपको मिल जाएगी। बैकलाइट का प्रॉब्लम जो कि आपके MTC357P IC में आएगा, देखिए पूरा IC का दिया हुआ है, हर एक बूस्ट कॉयल सारी चीज आपको दी हुई है। वीवो में देखेंगे तो वीवो में भी आपको यहाँ पे देखो अच्छे सेट देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों ये एक ऐसा एक टूल है जिसमें वन टाइम परचेसिंग है आपको, और ईयरली आपका इसमें अभी लगेगा, जो भी है आप डीलर से बात करो, मैं आपको डायरेक्ट नंबर दे रहा हूँ, बीच में तो मैं हूँ ही नहीं, आप कॉल लगाओ ZX मलिक को या व्हाट्सअप करो या आप किसी भी एक दूसरे चौथे बंदे को जिसको आप जानते हो, पर आज के आज कॉमनेट प्रो को परचेस कर लो, क्योंकि ये टूल आपकी लाइफ बदल देगा। तो चलो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और इस वीडियो के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे सारे स्टूडेंट के लेटेस्ट वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को फॉलो करो, हमारे हर दिन एक वीडियो हमारे स्टूडेंट के आएंगे जिसमें हम कुछ पलों का रिव्यू नहीं, पूरा उनका एक ब्यौरा और पूरा उनकी जीवन गाथा बताएंगे कि भाई 5 दिन में उन्होंने क्या काम किया, 15 में काम किया और लास्ट में क्या करके गए। और दोस्तों उसके साथ एक नया कोर्स ज्वाइन किया एक और दोस्तों उसके साथ एक नया कोर्स लेकर आए हम इंडिया में पहली बार, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको लगता है हमें हार्डवेयर भी आता है, हमें सॉफ्टवेयर भी आता है, सब आता है, पर बेचारे ब्लैक पेस्टेड पे काम नहीं कर पाते। तो सिर्फ ब्लैक पेस्टेड वाला कोर्स, भले आप वो 2 दिन करो या 3 दिन, हमारा क्राइटेरिया 2 दिन का है, आप 4 दिन बैठ जाओ फ्री, हमें कोई दिक्कत नहीं। बोर्ड भी 10 बोर्ड हम फ्री देंगे, 10 बोर्ड हम फ्री देंगे, ब्लैक पेस्टेड वाले एकदम काले डावर वाले, और वो हम आपसे करवाएंगे सिर्फ आपको, और आप चालू सेट लेके आओ और आपसे ब्लैक पेस्टेड निकलवा के चालू करवा के अगर नहीं भेजा तो पूरी फीस वापस उसी समय, प्लस ये आपसे हम करवाएंगे दोस्तों, और सिर्फ ब्लैक पेस्टेड, ना आपको हम प्रिंट पूछेंगे, ना आप कोई डायग्राम पूछेंगे, ना आप सॉफ्टवेयर पूछेंगे, आपसे वो एक टेक्नीशियन होंगे जो सब कर रहे होंगे, सिर्फ ब्लैक पेस्ट पे काम नहीं कर रहे होंगे, डर रहे होंगे कि सर मुझे ब्लैक पेस्ट पे काम करवा दो, तो वो एक हमने कोर्स रखा है सिर्फ ब्लैक पेस्ट मास्टर कोर्स, जिसको हमने बोला है ब्लैक पेस्ट मास्टर कोर्स, वो आओ ज्वाइन करो 2 दिन का, और कोई टाइम लिमिट नहीं, कोई भी टाइम लिमिट नहीं, सारे टूल्स हमारे, सब कुछ हमारा, आप बोर्ड लेके आओ अपनी तरफ से जितने आप ला सकते हो, 10 हम फ्री में देंगे इस कोर्स के दौरान। कोर्स की फीस क्या है, और ये कोर्स ऐसा है कभी भी ज्वाइन करो, ऐसा नहीं कि अगले महीने की डेट परसों डेट, अगले दिन आना है अगले दिन आओ, पर कॉल करके आओ, अपना नाम लिखवा के आओ, बुक करके आओ सीट, तो ज्वाइन करो आज और कॉल करो, नंबर दिए जा रहे हैं, थैंक यू वेरी मच, जुड़े रहे इसी तरह से। और अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं तो आपको मिलेगा हमारे इंस्टीट्यूट में क्या क्या चीज़ सीखने के, तो सिलेबस तो हमारा बहुत सारा है, उसको एक वीडियो में बता पाना बहुत दिक्कत की बात है, इसलिए अगर आपको जानना है तो हमारी वेबसाइट में जा सकते हैं www.acertelecom.info, या तो आप कर सकते हैं आप हमें कॉल कीजिए आप, और क्योंकि इससे ऊपर भी आपको किस तरीके से बताया जाएगा, क्योंकि बहुत हद तक भी एक वेबसाइट में डालना एक चीज़ है पॉसिबल नहीं हो पाती है। दूसरी बात आपको क्या मिलेगा जो एक बेस्ट आपको बताएगा, जो कि कोई दूसरा शायद ही दे पाए, तो सबसे पहले तो आपको मिलेगा नंबर 1 पे यहां पर आपको दिख रहा होगा वो है इंस्टेंट कॉलिंग सिस्टम। मतलब दोस्तों क्या होता है कि मोबाइल की फील्ड ना इलेक्ट्रॉनिक फील्ड है, ये बिल्कुल नई नई चीज है, हर दिन 10,000 टाइप के नए मोबाइल नए सर्किट आ रहे हैं। आप जैसे फॉर एग्जांपल रेडमी नोट 8 की बात करें, उसमें जो लाइट ऐसी आ रही, मुझे नहीं लगता कि बहुत से लोगों को नॉलेज होगी, पर जिनको नॉलेज है वो अपडेट हो रहे होंगे, पर उनका क्या जो सिर्फ 6 लाख की ICC सीख कर चलेगा या 12 बॉल या 9 बॉल, तो उसके ऊपर क्या, मतलब 16 लाख उसके ऊपर क्या, तो वही चीज है। एक स्टूडेंट को एक ऐसा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए जो अपडेट देता हो, जो आपको लगता हो समय समय पे आपको अपडेट दे रहा हो, जो आपको एक बार सिखा के छोड़ ना दिया हो, क्योंकि दोस्तों सिखा तो हम बहुत बेस्ट देते हैं, आपको तो पता ही, हमने इतने स्टूडेंट पढ़ाए हैं, हमने 1,000 स्टूडेंट से ज्यादा हमने अपने इंस्टीट्यूट में लोगों को पढ़ाया है, और बहुत अच्छा हमारा बैकग्राउंड और बहुत अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा है इस इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट के साथ। पर दोस्तों मैं सच बताऊं कि नंबर 1 पे आपको मिलेगा इंस्टेंट कॉलिंग सर्विस, मतलब यहां से जाने के बाद अगर आप अपनी दुकान पर बैठे हैं तो अपने टीचर कोई से भी टीचर को कोई भी स्टूडेंट कॉल लगाएगा तो ऑब्वियस है कि वो पढ़ा रहा होगा उस टाइम पे, तो वो कैसे कॉल उठाएगा। सो आप इंस्टेंटली कॉल सर्विस में हमारी टेक्निकल टीम से बात कर सकते हैं उस टाइम पे, और वहां पे आप EMMC लेवल तक क्या उनसे सवाल पूछ सकते हैं जो आपको बहुत हद तक सोल्यूशन देंगे, और उसके बाद तो फिर हम बैठे ही हैं। तो दूसरे नंबर फिर आपको मिलेगा यहां पर, दूसरे नंबर पे आपको जो मिलेगा जूम ऐप के थ्रू, ये सबसे मेन अपडेट है। एक तो इंस्टेंट, ये तो हो गया वर्ल्ड लेवल पे अपडेट, दूसरा हो गया जूम ऐप। जूम ऐप में दोस्तों हम पर्टिकुलरली खुद टीचर आकर हर महीने में अपने हर बैच के स्टूडेंट को अपडेट करते हैं, जैसे लाइट सेक्शन हो गए, अब लाइट में क्या नया लाइट आया,
कौन सा सेक्शन नया लाइट में आ गया, जैसे Redmi Note 8 Pro की मैंने बात की है, अभी कौन सा आ रहा है या पावर आईसी के अंदर उसमें और क्या क्या सर्किट बन रहे हैं। सो ये सेक्शन को हम पूरा उनको विजुलाइज करके पूरा उनको सर्किट को एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे वर्क ऑफ फ्लो, जैसे वर्क ऑफ फ्लो बोलते हैं जिसको, उसको पूरा एक्सप्लेन करते हैं ताकि उनको पूरा इनपुट आउटपुट EN जो भी उसकी कमांड लाइन है, जो भी I2C या जो भी उनके अलग प्रोटोकॉल जो उनकी सप्लाइयां हैं, वो सारी सप्लाइयां उसमें हम शेयर करते हैं उनके साथ में। तीसरा यहाँ पे आपको मिलेगा जो ग्रुप के साथ, जो नॉर्मली हर इंस्टीट्यूट दे ही देता है व्हाट्सएप ग्रुप में आप एवरी टाइम, क्योंकि उसमें क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट और भी होते हैं जो अपना भी शेयर करते हैं डाटा और आपका आपसे भी डाटा वो लेते हैं और उससे सीखते हैं। सो ये तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इंस्टीट्यूट में जो बहुत बड़ी लेवल पे है। अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आप ये सोच के आप ये मान के चलिए कि हम आपको जिंदगी भर नहीं छोड़ने वाले हैं, क्योंकि हम जानते हैं आपने एक मेहनत से पैसा क्योंकि हम जानते हैं कि आपने मेहनत से पैसा कमाया और मेहनत से पैसा कमा कर आपने एक इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया है। यहां हम आपको साथ कभी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हमें पता है कि अपडेट बहुत जरूरी है इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में। सो जुड़े रहे इसी तरह, थैंक यू वेरी मच, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। थैंक यू वेरी मच। और कंपोनेंट के बारे में क्या कहना था? स्पेशल चीज दिखा रहे हैं, हालांकि स्पेशल नहीं है, कॉमन है, फिर भी एक हम हमेशा वीडियो में एक और उसका माइंड क्लियर है कि मुझे करना है, तो उसके लिए एक महीना भी बहुत है। ठीक है, एक बार जोर से क्लैप कर दीजिए इनके लिए, आईसी लगाए हैं। थैंक यू वेरी मच सर। An ISO 9001 and 2008 Certify Institute. Asia Telecom. Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.